बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबाना रसोई। तो आज मैं बनाने लगी हूँ अपनी किचन में बहुत ज़बरदस्त सिंपल और टेस्टी मुर्गी की तहरी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखें, इसे बनाने के लिए मैंने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है और ये मेरे पास 3 बॉयल्ड अंडे हैं। इसमें कट्स का निशान लगाएंगे और थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर इसे फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। और अब सेम ऑयल के अंदर 2 मीडियम प्याज स्लाइस कटा हुआ डाल देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। और अब 6 से 7 हरी मिर्चों को तोड़कर डालेंगे। और ये मेरे पास 500 ग्राम बोनलेस चिकन था, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप इसका कीमा भी बना सकते हैं। इसे शामिल करेंगे और 1 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेंगे और गैस का फ्लेम लो करेंगे और 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो देखें, चिकन को पकते हुए 3 मिनट हो चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। तो इस टाइम पर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दही, ये होममेड दही है, और इसे पहले अच्छे से फेंट लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर दें, नहीं तो दही फट जाएगी। और अब इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी पुदीना के पत्ते, ये मेरा फ्रोज़न है, और 1 मुट्ठी ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक फिर से भून लेंगे। और मैंने कच्ची बासमती राइस ली है, इसे मैंने 30 मिनट पहले से भिगो कर रखा हुआ था। अब इसका पानी निकाल कर इसमें डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो चावल डालकर हमने 2 मिनट तक भून लिया है और अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो पानी मैंने गर्म लिया है और जैसे कि चावल मैंने 2 ग्लास लिया है तो पानी इसके अंदर 3.5 ग्लास लेंगे। तो नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो 1/2 टीस्पून फिर से ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तब इसके अंदर जो हमने अंडा बॉइल्ड फ्राई करके रखा हुआ था इस पर अरेंज करेंगे और हरा धनिया डालकर इसे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट पहले मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और अब इसे डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़े का बना है। तो अंडे को हमने 2 टुकड़ों में काट लेना है और ब्राउन प्याज और अंडे की स्लाइस से डेकोरेट करेंगे। तो आप लोग भी इस आसान और मुर्ग की तहरी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।